नमस्कार, मैं हूं आशीष और स्वागत है आपका आपके बेहद अजीज शो तुझसे नाराज नहीं जिंदगी पावर्ड बाय चिंग्स पर। दोस्तों, हमारे देश का सोशो इकोनॉमिक स्ट्रक्चर दो एक्सट्रीम्स में है। जहां एक तरफ बड़े शहर है जहां पर काम है, पैसा है, प्रगति है, वहीं छोटे गांव और कस्बे हैं जहां पर आज भी लोग गरीबी और भुखमरी का शिकार होते हैं। मुंबई और दिल्ली जैसे बड़े शहरों में हजारों की तादाद में हर रोज लोग काम की तलाश में आते हैं। उन्हीं में से एक गोरखपुर के पास एक छोटे से कस्बे का रहने वाला राम खिलावन। संतो, अले बिटिया रानी। संतो, बिटिया रानी को खाना खिलाया है कि नहीं, और तुमने खाया कि नहीं? आज के लिए तो जो था वो मैंने इसे खिला दिया है, लेकिन कल क्या बनेगा वो मुझे नहीं पता। और वैसे भी मैं पेट से हूँ। इसे तो जैसे तैसे करके हम खिला रहे हैं, मगर उसका क्या करेंगे जो आने वाला है। अरे चिढ़ो मत, हो जाएगा कुछ न कुछ, काम ढूंढने में लगा हूँ ना। और वैसे भी तुम्हारे भाई का फोन आया था, हो सकता है वही कुछ नौकरी दिलवा दे दिल्ली में। नहीं, कहीं नहीं जाएंगे। ठीक है ठीक। अच्छा अरे, अच्छा तुम्हारे इस गुड़िया का क्या नाम है? गुड़िया का नाम गुड़िया ही होगा ना। अब लो खाना खा लो। संतो 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 संतो। अरे 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 अरे, क्या हो गया? हमने कहा था ना कुछ होगा जरूर। फोन आया था, सुभाष ने कहा जल्दी से दिल्ली आ जाओ, तुम्हारे लिए नौकरी रेडी है। रेडी है नौकरी मेरा बच्चा। मगर दिल्ली और हम लोग यहाँ अच्छे से रह पाओगी? कम से कम यहाँ भूखे मरने से तो अच्छा है कि बड़े शहर में जाकर हाथ पैर मारूं। तुम चिंता क्यों करती हो? पैसे का जुगाड़ होते ही मैं जल्दी से वापस आ जाऊंगा। बस तुम अपना, बिटिया रानी का और इस होने वाले का ख्याल रखना, समझी? तुम्हारी इस महीने की तनख्वाह। ठीक है ठीक। हेलो संतो, क्या हुआ? क्या बेटा हुआ है? तुम गुस्सा मत हो। नहीं 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 संतो, अभी घर नहीं आ सकते हैं, अभी तो कुछ ही दिन हुए काम शुरू किए हुए। नहीं 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 संतो 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 संतो। राम खिलावन, सब ठीक तो है? जी सर। किससे बात कर रहे थे? जी सर, वो हमारी मैसेज थी। अभी दो दिन पहले हमारे यहाँ बेटा पैदा हुआ है, तो जिद कर रहे थे कि घर आ जाओ, लेकिन साहब अभी कुछ दिन पहले ही तो नौकरी शुरू किया, तो कैसे जा सकते हैं साहब? ऐसा कुछ नहीं है राम खिलावन, डोंट वरी, एक हफ्ते के लिए मैं इस घर को संभाल सकता हूँ। लेकिन सर अभी नौकरी शुरू किया, कैसे जा सकता हूँ सर? आप इतने बड़े घर को। तुम बिल्कुल चिंता मत करो, मैं इंसान जल्लाद। मुंह मीठा कीजिए, लड्डू खाइए। नहीं भैया, अभी मन नहीं है। नहीं भैया। अरे लीजिए ना, बेटे के बाप बने भैया, लीजिए। नहीं भैया। अरे खाइए भी, क्या सोच रहे हैं, लीजिए खाइए 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 खाइए। और कौन गांव के हैं आप? गोरखपुर। अच्छा गोरखपुर, तो दिल्ली में काम करते हैं। अरे बढ़िया के बढ़िया कमाई होगी वहां तो भैया।
दादा इनको तो दस्त लग गया है, ये भाई लोग बस में नहीं जा पाएंगे। काम करिए आप लोग निकलिए, हम इनको आगे छोड़ देंगे, हमारा गांव पास में ही है। वो बहुत गंदे इंसान है, उन्होंने मुझे स्टेशन से उठा के लाया। वो तुम्हारे पिताजी नहीं है? नहीं। फिर से हल्ला कौन मचा रहा है, आओ के अंदर। साला डॉक्टर की बहुत तकलीफ हो रही है, कोई साला चुपचाप आता ही नहीं। वो डॉक्टर माथुर 4 ऑपरेशन करके डर के भाग गया, बोलता है कि पकड़े गए तो लाइसेंस जब्त हो जाएगा। अबे गुर्दे निकालने बेचने के धंधे में इतना रिस्क तो लेना पड़ेगा ना, वैसे ही डिलीवरी लेट हो गई है। ऊपर से वो जॉनी अपना कमीशन काट लेगा, गाली देगा सो अलग। देख माल दे दिए से? हाँ दे दिया। माल बहुत कीमती है, उसे ध्यान से संभाल के ले जियो। कहाँ जाएगा सीधे यहाँ से? हाँ भाई वो गोरखपुर। सीधा गोरखपुर जाएगा, गोरखपुर जाके कौन मिलेगा वहाँ? वह नाम बताया? बता दिया, जॉनी। जॉनी जॉनी मिलेगा, समझा? माल बहुत कीमती है, ध्यान से ले जियो। हाँ भैया। माल उसके हाथ में डिलीवर कर दियो, वो उसे वहाँ से बॉर्डर पार ले जाएगा, फिर कोई टेंशन नहीं है। उसके बाद क्या करेगा? क्या करूं? अबे सीधा यहाँ आएगा और क्या करेगा बे? अरे हाँ भाई। अरे क्या करेगा? प्रमोशन कर दिया तेरा भाई। ये लो ये दवाई, उसे खिला दो। और हाँ, दोस्ती के नाते में तुम्हें समझा रहा हूँ कि यह मरने से अच्छा है कि इन लोगों के साथ जुड़ जाऊं। क्या मतलब? हम लोगों को उठा के लाए, उनके गुर्दे काटे? कल हो तुम? हम ये काम नहीं कर सकते। देख मुझे लगा कि तुम बेबी बच्चे वाले आदमी हो, है? तुम्हें पैसों की जरूरत होगी इसलिए मैंने बोला। और पैसे किसको नहीं चाहिए? मुझे चाहिए, तुम्हें चाहिए, सबको चाहिए। मुझे नहीं चाहिए ऐसा पैसा। लेकिन मुझे चाहिए। भाई नया आदमी है, देखने दे सीखने दे, उसके बाद। नहीं नहीं भैया, एक मौका दीजिए ना, हम साबित करके दिखाएंगे हम बहुत काम कर सकते हैं। भैया एक मौका। चौबे आज मार्केट चलते हैं, तू भी साथ में चल, फिर देखते हैं तू क्या करता है वहां। भैया जा फटाफट नाश्ता कर ले, और सुन अगर तूने वहां कुछ गड़बड़ की ना, गर्दन काट दूंगा, समझ गया? चल जा। बहुत बातें कर रहा था, हैं?
चल अब काम करके दिखा जा। क्या कर रहा है बेटा? चॉकलेट खाएगा? ले 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 ले, चॉकलेट है ना मेरे पास। और चॉकलेट चाहिए? अच्छा अच्छा और मिले। एक मिनट रुक जाओ, मैं अपने भाई को भी बुला लेता हूँ, उसे भी चाहिए। अरे चॉकलेट चाहिए? और चॉकलेट चाहिए तुम लोगों को? चलो चलो, और बहुत सारा चॉकलेट है हमारे पास, आ जाओ। अरे मेरे बच्चे को कोई बचा! अरे मेरे बच्चे को कोई बचा! अरे तुम मरवा देगा यार। चोर चोर भाई, चलो चलो चलो, गाड़ी गाड़ी जल्दी निकाल। बैठ बैठ बैठ। भैया ये तार कटा हुआ है, वो लगता है चूहे ने कुतर दिया। ऐसा कैसे चूहा आ गया? कल तक तो सब ठीक था। यहाँ कुछ लिखा है? मैं बेवकूफ दिख रहा हूँ? मुझे नहीं मालूम चूहा तार कैसे कुतरता और कुत्ता तार कैसे काटता। भैया भैया भैया, कोशिश कर रहा था, मुझे भी काट, मुझे भी काट। मुन्नी साहब, वो बच्ची मुन्नी कहाँ है? साले, तेरे पे भरोसा करके ही गलती कर दी। चौबे, खत्म कर दे इसको। साले, बोला था ना तुझे कि अगर तूने कोई भी गड़बड़ की ना तो साला गर्दन काट दूंगा। काट ले गर्दन, काट लू। चाकू रख, चाकू रख, लेके जा। राम खिलावन तुम ही हो? जी हाँ, हमारा ही नाम राम खिलावन है। पर इंस्पेक्टर साहब, बच्ची कहाँ है? बच्ची? मुन्नी कहाँ है? देखिए, बच्ची मेरी। इंस्पेक्टर साहब, इंस्पेक्टर साहब, मुन्नी बेटा। व्हाट? हवलदार सविता, जल्दी आओ, लेके चलो इनको। राम खिलावन की बहादुरी की जितनी प्रशंसा की जाए कम है। जहां राजू जैसे दरिंदे इस समाज का हिस्सा हैं, वहीं राम खिलावन जैसे फरिश्ते भी हैं। राजू, चौबे और उस डॉक्टर को पुलिस ने अरेस्ट किया और फिलहाल उन पर केस चल रहा है। और आज मुन्नी राम और संतो के परिवार का हिस्सा है।